क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र बाइबल के संत मती के अध्याय से मनन चिंतन करेंगे, जो कि अध्याय 7 से लिया गया है और पद संख्या 15 से 20। पद संख्या ये कहती है कि झूठे नबियों से सावधान रहो। बहुत अच्छी बात है, हमें सावधान सबसे रहना चाहिए और खास करके झूठे नबियों से, क्योंकि नबी लोग ईश्वर के सानिध्य से मार्गदर्शन करते हैं, है ना? और इसीलिए बहुत सारे लोग संत महात्माओं को मानते हैं, बाबाओं को मानते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में रहकर वो ईश्वर को पहचानते हैं, उनके माध्यम से ईश्वर को और गहराई से जानते हैं। परंतु पवित्र वचन समझाता है, सावधान सावधान रहो झूठे नबियों से। और आज के युग में तो क्या कहना, इतने सारे नबी, इतने सारे बाबा और पता नहीं कौन कौन आए जो सब कोई ज्ञान बताने वाले। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ज्ञानचंद लोगों से सावधान रहो। ज्ञान सब बांटते हैं, पर वो सच्चा ज्ञान है झूठा ज्ञान है वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, पवित्र वचन बहुत अच्छी तरीके समझाता है कि अच्छे नबी की पहचान उसके फल से होती है, अच्छे पेड़ की पहचान फल से होती है, अच्छे नबी की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी भाषा से होती है, उसके व्यवहार से होती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबके पास पवित्र बाइबल है और पवित्र बाइबल वो अथाह सागर है जिसको पढ़कर, उस पर चिंतन करके हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हम कौन से नबी का पालन कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा एक ही गुरु है और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। हमारा एक ही मार्गदर्शक है और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो इस धरती पर आया और हम सबको एक आदर्श जीवन के बारे में सिखाया है। यह सच है, हमारे बहुत सारे पुरोहितगण, धर्म बहने और प्यारे भाई बहन पवित्र वचन का प्रचार प्रसार करते हैं, और जब वो पवित्र वचन का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो प्रभु यीशु ख्रिस्त की जानकारी हम सबको देते हैं। और जब जानकारी देते हैं तो हमें यह झांक कर देखना चाहिए कि वास्तव में वो जानकारियां ईश्वर से अनुग्रहित होकर हम सबको मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए, एक पुरोहित होकर, एक धर्म बहन होकर, एक ईश्वर का प्रचारक होकर क्या मैं उस जीवन की ओर आगे बढ़ रहा हूं जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबको सिखाया है? जी हां, यदि मेरे अनुयायी, मेरे भक्तगण ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो सचमुच मैं ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। तो आइए, बहुत सुंदर वचन है, हम भी पहचान करें कि हम सच्चे मार्गदर्शन का पालन करके ईश्वर की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पेड़ की पहचान फल से की जाती है, वो पवित्र वचन का सार मेरे जीवन में आना चाहिए, वो पवित्र वचन का सार तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। और ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से एक सच्चे नबी के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त के मार्गदर्शन के पीछे जा रहे हैं। तो आइए, हमारा सच्चा मार्गदर्शन पवित्र बाइबल से पाएं
और प्रभु से विनती करें कि हम सच्चे नबी का आदर करते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ा सकें, आपके जीवन में अपने जीवन को मिला सकें। आमीन।